नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ अपना रुपेश बंसल पहुंचे अज पटियाला दे विच श्री हिंदू तख्त से, जिथे अज अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने टीम जी है वो मेरे नाल मौजूद है। तो इन्हों वालों एक मोटिव शुरू किया गया, एक अभियान शुरू किया गया जिस दे विच हिंदू देवी देवत्या का स्वरूप बन के नचण वाले लोगों का इन्हों वालों विरोध किया जा रहा। लोगों को यह ना करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। फाजिलका दे विच असीं भी एक अभियान शुरू किया होया, तो इस दे नाल ही अज हिंदू तख्त असीं पहुंचे हाँ। तो इन्हां तों जाणांगे कि किस तरह का यह अभियान है और किस तरह के जिहड़े आदेश जिहड़े है वह इन्हां वालों जारी किए गए, तो जागरण नूं सुधारन दे लई किस तरह के जिहड़े प्रयास किए जा रहे हैं। तो मेरे नाल मौजूद है इत्थे अश्विनी शर्मा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिल भारतीय जागरण सुधार मंडल दे, ते नाल ही उन्हां दी टीम भी मौजूद है, पंजाब प्रधान भी मौजूद है। तो गलबात करांगे इस मुद्दे ते, ते जानांगे कि यह मुद्दा आखिर है कि जी। स्वागत है तुहाडा सारिआं नूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अज मेरे नाल हिंदू सुरक्षा समिति दे पंजाब दे उत्तर भारत दे प्रधान जी राजेश केहर जी बैठे ने, और ये भी साढ़े उत्तर भारत के हिंदू सुरक्षा समिति के प्रधान मेरे नाल बैठे ने, पंजाब प्रधान जगदीप शर्मा जी बैठे ने। सो मैं सारिआं नूं अपील करनी चाहांगा कि माँ के पावन नवरात्रे 26 तरीक तो शुरू हो रहे ने और जगराते महारानी की कृपा नाल सारे ही शहरां दे विच होणगे। सो मैं तुहाडे सारिआं नाल ये गल सांझी करना चाहना कि जगरातियां दे विच झाकियां का कोई महत्व नहीं है, कोई संबंध नहीं है जगराते नाल झाकियां दा। पहली गल, फिर भी असी कंजक पूजन करते हैं, लौंकड़ा पूजन करते हैं। उस लई साडे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी ने यह आदेश किया सी कि आपां जगराते दे विच अगर कंजक रूप दे विच माता बनांदे हां तां उहदा सानूं कोई इतराज़ नहीं है। माता शेर ते सवार होकर आवे, आसन ते बैठे, भगत भेटा गाण, नचन, कुछ भी करन, सानूं कोई इतराज़ नहीं है। आपां भगत बन के नच सकते हैं, लेकिन आपां ने भगवान दा रूप नहीं लैना वड्डियां दा। भगवान शंकर नहीं बनने, महाकाली जी नहीं बनने, राधा कृष्ण जी नहीं नचाने चाहिए बना के अपन। सो मैं उही गल तुहानू दोबारा दसनी चाहना कि साडे सनातन दा, साडे हिंदू धर्म दा अपमान है जो असी रोक रहे हैं, साडे गुरु जी रोक रहे ने। और मैं एक अपील करदा जिस तरह फाजिलका तो शिवसेना वाले जिन्हां नाल एक झाकी वाले ने बैठ के वीडियो पाया सी कि मर्यादित झाकियां होनियां चाहीदियां। सो मैं उन्हां नाल भी गल कीती है, उन्हां दे प्रधान जी नाल भी गल कीती है। उन्हां नूं नहीं पता सी कि कारण की सी, असीं झाकियां क्यों रोक रहे हैं। जागरण दे विच झाकियां दा कोई संबंध है नहीं, और किसी भी शास्त्र दे विच चार वेद, छे शास्त्र, 18 पुराण दे विच नहीं लिखिया कि भगवान शोभा यात्रा दे विच सड़कां दे उत्ते नंगे पैर नच रहे ने, और यह शमशान की झाकी भी करते हैं जिस दे विच राख उड़ाते हैं। सो हिंदू कम्यूनिटी नूं समझ आना चाहिए कि साडे धर्म का अपमान हो रहा है। इसका साडे ग्रंथा नाल, साडी शोभा यात्रा नाल, साडे जागरण नाल कोई संबंध नहीं है। सो मैं उम्मीद करदा शिव सैनिका तो, बजरंग दल तो, साडे हिंदू सुरक्षा समिति, हिंदू तख्त वाले सारे बैठे ने, साडे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी जिन्हां दे आदेश दे थले असी सारियां टीमां काम करदे हां, असी इह झाकियां दे खिलाफ हाँ। वड्डियां झाकियां बिल्कुल नहीं होनियां चाहीदियां, इन्हां नाल साडे धार्मिक प्रोग्रामां दा कोई संबंध नहीं है। यही मेरी अपील है, यही मेरी बेनती है कि झाकियां वालों तो बचो, और जिन्हें भी जागरण करने वाले ने, संत महंत ने, जिहड़े जगराते बुक करते हैं, ऑर्गनाइजर ने, मैं उन्होंने कहना चाहाँगा कि तुसी अपने जागरण के झाकी वालों नहीं बुक करना। इंसान के रूप वाली झाकी तुसी कर सकते हो, लेकिन भगवान के रूप वाली झाकी तुसी नहीं बनानी, तुसी नहीं बुक करनी। तुसी पंथ और मार्ग को बचाओ, इस सनातन को बचाओ, इस जागरण को बचाओ। तो झाकियां दे रूप दे विच साडे धर्म दा अपमान हो रहा है, साडा उपहास हो रहा है। इस गल नूं जिन्नी जल्दी तुसी समझ लो वो सारा ठीक है, और सारे संगठन असी रल के इक्को ही साडा मिशन है कि असी अपने सनातन दे अपमान नूं बचाना है, और साडा कोई मिशन नहीं है। असी किसे तो पैसा इकट्ठा नहीं करदे, असी किसे तो पैसे की मंग नहीं करदे, साडी परसनल किसे नाल कोई जाति दुश्मनी नहीं है, झाकी वाले नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं। असी उन्हां नूं सीधा फोन नहीं करदे, असी तो जगराता जिहड़ा बुक करेगा, जिहड़ा कथा बुक करेगा, जिहड़ा शोभा यात्रा बुक करेगा,
असीं उन्हां नूं फोन करांगे कि यात्रा दे विच स्टिल मूर्तियां लगाओ, स्टिल पकवान लगाओ, मर्यादा रखो, कीर्तन मंडलियां लगाओ, बैंड लगाओ, फौजी बैंड लगाओ, टिप्परियां लगाओ, ढोल लगाओ, कथावाचक लगाओ, होर कुछ भी करो, लेकिन झाकियां बना के भगवान नूं नहीं नचाणा। जे भगवान आपां बनाने ने तां 10 साल तक दे बच्चे बनाने ने और उन्हां नूं मर्यादा दे विच बिठाना है, यही साडा सारयां दा मिशन है जी। प्रधान जी, नचया जा रहा है जगरातियां दे विच, जिहड़े प्रधान अपने भगवान का रूप धारण करके कुछ लोग जिहड़े है, कोई बच्चों नूं नचा रहा है, कोई वड्डियां नूं नचा रहा है, बड़ी बेअदबी जिहड़ी है अपने सरूपां दी कीती जा रही है, इहनूं लैके की कहोगे? सर, मैं पहला भी कहा है कि नचना बिल्कुल नहीं है, भगवान कदे नहीं नचणगे। भगवान क्यों नचणगे? असीं भगवान नूं नचाण वाले कौन आ? जिन्हां दी उंगली ते सारा संसार नच रहा है उन्हां नूं आपां किवें नचा सकदे हां? नचना सिर्फ इंसान ने, भगत बन के नच सकदे हो। भगवान जे तुसीं बनाए ने तां उन्हां नूं मर्यादा च बिठाणा है, मर्यादा च बिठाणा है, मर्यादा च उन्हां दी पूजा करनी है, मर्यादा च उन्हां दी बंदगी करनी है। उन्हां तों लैण लई तां आपां उन्हां दा जगराता करा रहे हां, उन्हां नूं नचा के आपां की सिद्ध करना चाहुंदे हां? किस तरह आपां अपने धर्म दी धर्म दा प्रचार कर रहे हैं? किहड़ा प्रचार है इह? प्रचार नहीं हो रहा, यह दुरप्रचार हो रहा है। सो आपां ने भगवान नहीं नचाने, उन्हां नूं मर्यादा च बिठाणा है, आप नचना है, भगतां ने नचना है, यही साडा संदेश है। झाकी वाले वालों एक आडियो वायरल की जा रही है जिंद थोड़ी आडियो है, उस तो बाद उन्होंने वालों कमेंट किए जा रहे हैं भी जिहड़े जागरण सुधार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिहड़े ने मतलब सानू इजाजत दे रहे हैं तो आर बी लाइव वाले रोक रहे हैं, इनू लैके की कहो? देखो, ये मैं सारिया के बाय नेम जानता है कि जलालाबाद तो या दिल्ली तो जितों भी कोई आडियो या वीडियो जारी होंगे उन्होंने मेरे बारे पता है, मैनू उन्होंने बारे पता है, ठीक है। ये अपनी दुश्मनियाँ निकालते हैं, उन्होंने मैनू जो चीज़ दिखाई कि माता का स्वरूप है वो अगर ध्यान अपना शीश चढ़ा रहा है, इस तरह मैं उन्होंने कहा भी इसते सानू कोई इतराज नहीं। पर उस तो पहला मैं ये कहा कि झाकी का जगराते नाल कोई संबंध नहीं है, ये बिना दिखाए भी जगराता संपूर्ण होंगे केवल महाराणी का गुणगान करन नाल। स्टेज पर कोई उस तरह का फंक्शन भी तो हो, आप क्यों दिखानी है झाकी? कोई झाकी का महत्व भी तो होना, क्यों दिखावे झाकी? आप जिथे लोड़ है नहीं उत्थे झाकी क्यों दिखावे? जे जागरण के झाकी दिखानी है सिर्फ कंजक रूप माता की झाकी दिखाओ, भगत की झाकी दिखा दो, ध्यान भगत की झाकी दिखा दो, बिना स्वरूप वाली कोई भी झाकी करो, सानू कोई दिक्कत नहीं, पर स्वरूप वाली झाकियां बिल्कुल नहीं दिखानियां चाहिए जी। तो हिंदू तट के जिहड़े प्रधान जी भी साडे नाल मौजूद है तो इन्हां नाल भी गलबात करांगे ते जानांगे कि इन्हां दा इस मुद्दे ते की कहना है ते इन्हां वल्लों किस तरह के जिहड़े प्रयास किए जा रहे हैं जी कि नाल। मैं राजेश केहर, सीनियर प्रचारक श्री हिंदू तट, वाइस प्रेजिडेंट हिंदू सुरक्षा समिति पंजाब। सर, की कहोगे, एक मुद्दा बड़ा चल रहा है झाकियां नूं किया जा रहा है भी जगरातियां च नहीं होन दिता जा रहा है, लेकिन जिहड़े झाकियां वाले आ कह रहे हैं भी रोकिया जा रहा है, साडी रोजी रोटी ते लत मारी जा रही है, इस मुद्दे नूं लैके की कहोगे, की होना चाहिए? देखो, कुछ साल पहला अश्विनी जी मेरे को आए थे यही मुद्दा लेके, इसी दफ्तर के बैठ के साड़ी गल हुई सी, इन्हां दे एक मंतव सीगा कि जागरण दे विच जिहड़ा अपना देवी देवत्यां दा अपमान हो रहा बहुत ज़्यादा उस टाइम बढ़िया होया सीगा, इन्हां दी एक इच्छा सी कि इन्हां नूं बंद कराया जाए। तो इन्हां दे नाल मैंने पंचानंद गिरी जी महाराज के नाल इन्हां नूं मिलवाया, वह भी इन्हां दी गल नाल सहमत होए, उस तो बाद इस जिहड़ी मुहिम नूं एक बहुत वड्डा रूप दिता गया जिहदे विच अज्ज तुसीं देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा लोग इन्हां नाल जुड़ चुके हैं। ये साडा ही एक अंश है, हिंदू तख्त का ही साडी ब्रांच है, जागरण सुधार मंडल जिहड़ा बनाया गया जगत गुरु पंचानंद गिरी जी देख रहे दे विच चल रहा है, और अज काफ़ी हद तक ये कामयाबी हो चुके हैं, धर्म का अपमान जिहड़ा हो रहा है उन्होंने रोकने विच, लेकिन 100% कोई चीज़ हजे तक नहीं रुकी है, उन्होंने असी प्रयास करांगे कि इन्हों 100% रोकया जा जी। किस तरह के प्रयास किए जा रहे थोड़े वालों, थोड़ी टीम वालों, इन बारे साडे दर्शकों को अज जानकारी? प्रयास देखो, जागरण सुधार मंडल बनाया होया, इन्हां दी ब्रांचा हर शहरां दे विच काम कर रही ने, और जिथे जिथे इन्हां नूं शिकायत मिलदी है सानूं भी शिकायत अगर कोई आती है असीं इन्हां दे ही फॉरवर्ड करते हैं इन्हां नूं भी, ताकि ये देखो अगर इन्हां नूं कोई औकड़ आती है, कोई परेशानी आती है, तो हिंदू तख्त, हिंदू समाज, सारा सनातन धर्म समाज, और ईवन तक कि हुण तां 13 दे 13 अखाड़िया ने भी यह मता पा के पास कर दिता है कि किसी भी जागरण के किसी भी धार्मिक स्थान के 10 साल दे तक के बच्चे तो उपर कोई झाकी नहीं बनाई जाएगी। वो भी तुम देखे ही है कि पहला सनातन समाज के रामलीला होंगे, हम कई लोगों ने सानू सवाल करे भी रामलीला क्यों नहीं बंद हो रही है, रामलीला के पहला
ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੌ ਦੇ ਨੌ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨੌ ਦੇ ਨੌ ਦਿਨ ਸੱਯਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਝਾਂਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਝਾਂਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਾਗਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸੋਹੀਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਸਟਿਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, 4-5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਗਰਨ ਇੱਕ ਸੁਖਨਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰਾਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜਾਗਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਅਖੰਡ ਗੁਣਗਾਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਖੰਡ ਗੁਣਗਾਨ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਆਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਾਗਰਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਗਰਨ ਜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਰਗ ਸਿੱਖੋ, ਭਗਤਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਗਰਨ ਦੇ ਡਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਜਾਗਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ,
ताकि जागरण जो है मर्यादा नाल होन, भगतां दी सुखना स्वीकार होवे, महारानी प्रसन्न होवे, आशीर्वाद दे के जावे। मेरा यही सब नू मैसेज है, यही सुने है सारे नू, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जी ये जिहड़े सरूप धारण कर लैंदे आ, इन्हां ते कारवाई की करवाई जा सकती है? जे मान लो कोई सरूप बन के नच रहा है तां की कारवाई हो सकती? सारे इन्हां ते कारवाई, इन्हां दा वीडियो बनाया जावे, इन्हां ते कारवाई। साडे कोल 295 ए दी धारा हैगी है, जो कि बहुत सख्त धारा है, जिसकी जमानत भी नहीं होंगी। ये साडे गुरु जी महाराज की कृपा दे नाल, आशीर्वाद नाल, क्योंकि संत ने, संत सुभा है उन्हां दा। असी सारे पंजाब की हरियाणे की लिस्ट उन्होंने सेंड करती है, पंजाब 8-10 बंदे ही ने, कितने सोचो ये हज़ारा बंदे हैं। सब दे नाम और एड्रैस, चाहे लुधियाना है, चाहे राजपुर है, चाहे वह जलालाबाद है, चाहे गंगानगर है, ये सारे सुन लैन, चाहे वह पातड़ा या समाणा है। ये 5-7-10 शहर ने जिथे ये लोग साढ़े गल नहीं मन रहे, भगवान की बेअदबी कर रहे हैं। गुरु जी को कली कली लिस्ट में पहुँचाती है। जदों गुरु जी का देश होया, आ एक दो दिन गुरु जी का वीडियो आएगा। हुण जिहड़ी कारवाई है इन्हां ते होएगी होएगी, क्योंकि इन्हां ने 2-3 साल तो साडी गल नहीं मन्नी, ये भगवान की बेअदबी करन तो नहीं हट रहे। मैं सारी लिस्ट साडी जो ड्यूटी सी बना के गुरु जी कोले पहुँचा दित्ती है। धन्यवाद। तो यह सन अश्विनी शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जागरण सुधार मंडल दे, जिन्हां वल्लों एक मुहिम शुरू की गई है 3 साल पहला, हिंदू तख्त तो इन्हां वल्लों जिहड़े पंचानंद गिरी जी महाराज उन्हां तो आदेश लैके ये मुहिम की शुरुआत की गई सी, जिस दे विच देवी देवत्यावां दा सरूप बना के नचण वाले लोगों का जिहड़ा विरोध किया जा रहा सी, इन्हां सरूपां नूं बनाउण वाले आयोजकां का भी जिहड़ा विरोध किया जा रहा सी, तां इन्हां वल्लों जिहड़ियां हुण कारवाइयां जिहड़ियां शुरू कर दित्तियां गईआं। तां असीं वी अज तुहानूं इक गल दस दईए, असीं किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के नहीं हाँ, असीं उन्हां लोगों के खिलाफ हाँ जिहड़े साडे देवी देवत्यां दा अपमान करदे आ, जिहड़े देवी देवत्यां दा सरूप धारण करके धार्मिक आयोजना के नच के पैसे कट्ठे करते हैं, असी उन्हों का जोड़ा वो विरोध कर रहे हैं। तो तुम भी साड़ी इस मुहिम के जुड़ो, जेकर तुम भी अपने विचार साढ़े चैनल के माध्यम के नाल पहुँचो, लोगों तक पहुँचा चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिते जा रहे नंबर से वट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, असी तुहाडे विचार लोगों तक जरूर पहुँचावे। तो कैमरामैन उमेश कुमार के नाल रुपेश बंसल, RBI मीडिया पटियाला।